लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर आरसीसी एज यू हैव इंटरव्यू जी फॉर दिस बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। तो अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट नोहम डिस्ट्रिक्ट से ही किया हूँ। उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी से किए, जो 2019 में पास आउट हुआ हूँ। मेरा 78.45% उसमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रिनफोर्स सीमेंट जी सर, कंक्रीट में क्या फर्क होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट दोनों ही कंक्रीट स्ट्रक्चर है सर। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट नहीं डालते हैं, और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट होता है सर। कौन सा मटेरियल आप एज और रिन्फोर्समेंट के तौर पे प्रोवाइड करते हो कंक्रीट के अंदर? स्टील सर, स्टील। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास डिफॉर्म्ड बार है और मेरे पास माइल्ड स्टील जी सर, है, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? डिफॉर्म बार की सर। इसका रीजन? इसके डिफॉर्म बार के सरफेस पर सर रिब्ड बना हुआ रहता है, जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सर। ओके। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ये किन किन जी चीजों के सर, ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ सर मतलब कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके बाद जो है मतलब कितना सरफेस पर वो जो है ना मतलब कि बॉन्डेड है। जैसे कि नंबर ऑफ थिनर बार लगाएंगे तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील पर भी डिपेंड करता है। जैसे माइल्ड स्टील ले लिए प्लेन बार तो उसपे कम होगा सर, और डिफॉर्म बार लिए तो उसमें ज्यादा होगा। और जितना डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे उसमें उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा सर। ओके। अच्छा, फोर्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता? जी, फोर्स का रोल होता है सर। क्या रोल होता है? क्या कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है उसका सर? सर ज्यादा फोर्स होगा तो मतलब स्लिपिंग ऑफ बार होने का चांस ज्यादा होगा शायद। नहीं, लाइक कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन, कंप्रेशन में सर सर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। आप मुझे बताओ कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हो? श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट सर वो जो है टाइम के साथ साथ उसमें प्लास्टिसिटी आता है मतलब कंक्रीट में, तो वो जो है ना मतलब अपना वॉल्यूम को जो है ना डिक्रीज करता है सर, जिसके कारण उसमें प्लास्टिसिटी आता है या प्लास्टिसिटी लूज करता है? प्लास्टिसिटी को लूज करता है सर। मतलब प्लास्टिक कंक्रीट प्लास्टिसिटी लूज करता है, तो वो जो है ना अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, जिसके कारण छोटा छोटा क्रैक भी उस पर डेवलप होता है श्रिंकेज तो वो श्रिंकेज होता है। में भी सर। श्योर नहीं हो? मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है सर, उसी को श्रिंकेज कहते हैं। तो वो वॉल्यूम डिक्रीज होने का कारण क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज होने का कारण सर उसका जो है ना उसमें जैसे कंक्रीट हम सर प्लास्टिक कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें वाटर जो रहता है वाटर इवोपरेट कर जाता है सर, और अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन में उसका जो है योगदान रहता है वाटर का, इस कारण वो रिड्यूस कर जाता है। तो ये जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है किस नेचर का होता है? टेंसाइल नेचर का या कंप्रेसिव नेचर का? कंप्रेसिव नेचर का सर। तो अगर मेरे पास एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बीम है, प्योर कंक्रीट से बना हुआ, दूसरे में प्लेन हमने सीमेंट, जी स्टील सर, डाला हुआ है और जी एक ही सर, साइड डाला हुआ है, मतलब बॉटम में, मान लो बॉटम में स्टील डाला हुआ है, तो किसमें जी श्रिंकेज के कारण ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी? श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन सर कंप्रेशन जोन में ही शायद आता है, कंप्रेशन जोन में। और किस बीम में डिफरेंशियल श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा? डिफरेंशियल श्रिंकेज प्लेन में सर, डिफरेंशियल श्रिंकेज इन द सेंस कि श्रिंकेज के कारण जो डिफ्लेक्शन होगी, दैट विल द डिफरेंशियल। लेट मी करेक्ट माय क्वेश्चन। किस बीम जी में श्रिंकेज के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगी वो एक जैसी नहीं होगी? मतलब हो सकता है कि टॉप में श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन ज्यादा मिले, बॉटम में कम मिले, बॉटम में ज्यादा हो, टॉप में कम हो, किस केस में? सर प्लेन में
प्लेन में क्यों? प्लेन में इसलिए कि सर उसका जो है जैसे कि रिनफोर्स्ड में सर जो है मतलब टेंसाइल जोन में जो श्रिंकेज आएगा उसको जो है ना स्टील टेकल कर लेगा, और कंप्रेशन जोन में जो आएगा श्रिंकेज उसको जो है ना कंक्रीट खुद जो है ना सक्षम उसको टेकल करने शायद। कंक्रीट तो कर नहीं पाता, वो तो श्रिंक हो रहा है, जी स्टील उसको रोकता है श्रिंक होने से। तो अगर आपने स्टील प्रोवाइड किया है, उस केस में आपको डिफरेंशियल डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बोल दो, या जो चेंजेस आएंगे वो एक जैसे देखने को नहीं मिले। प्योर कंक्रीट का बीम है, जो टॉप फाइबर कंप्रेस होगा उतने बॉटम फाइबर भी कंप्रेस होगा। स्टील के केस में ऐसा नहीं होगा, स्टील रोकेगा कंक्रीट, अगर कंप्रेस होना चाहता होगा स्टील रोकेगा उसको जो बॉटम में प्रेजेंट है। जी उसके सर कारण आपका जो सेक्शन होगा वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा सर। डिफ्लेक्शन आएगी उसके अंदर। अच्छा मुझे जी सर बताओ कि आप क्रीप से क्या समझते हो? क्रीप एक तरह का डिफॉर्मेशन है सर जो डेड लोड के कारण लगता है, सस्टेन लोड के कारण किसी भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट स्ट्रक्चर में। डेड लोड के अलावा कोई और दूसरा लोड? डेड लोड के ही कारण सर लगता है शायद। जी सस्टेंड लोडिंग से आप क्या समझते हो? सस्टेन लोड वो लोड है जो उस पर जो है ना हमेशा रहता है सर। डेड लोड के अलावा कोई दूसरा लोड जो हमेशा लग रहा है हमारे स्ट्रक्चर में या उस पर्टिकुलर मेंबर के में? तो उसका खुद का सर लोड। वो तो हो गया डेड लोड। जी सेल्फ लोड और डेड और लोड अलग लोड अलग थोड़ी सर हैं। और कौन सा लोड सर लगेगा नहीं रिमेम्बर कर पाए। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का नाम सुने हो? जी सर तो अगर एक प्री स्ट्रेस मेंबर होगा तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मेंबर रहता है। जी सर जी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हो? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब वो एक तरह का प्रॉपर्टीज है और जो मतलब कि ये डिफाइन करता है इसका लाइफ ऑफ स्पान कितना है, जैसे कि जो जितना जितना ड्यूरेबल होगा उतना उसका लाइफ ज्यादा होगा सर। उस पर एक्सपोजर कंडीशन या इन्वायरमेंटल इफेक्ट कितना पड़ता है। तो लाइफ तो बताता नहीं है ड्यूरेबिलिटी, कितना लाइफ होगा। मतलब कितना उसमें स्ट्रेंथ है सर मतलब किसी भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट को टैकल करने के लिए। अच्छा कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, सॉरी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? जैसे आरसीसी आरसीसी स्ट्रक्चर में सर जितना मतलब उसका इफेक्टिव कवर सर मतलब ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उतना सेफ होगा। उसके बाद सर उसका ग्रेड इफेक्टिव ऑफ कवर या कंक्रीट क्लियर कवर? क्लियर कवर सर। उसके बाद ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे तो वो हो गया। उसमें कुछ मिनरल्स जो होता है केमिकल मिनरल्स यूज करेंगे तो वो मतलब कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा सर। एक्सपोजर कंडीशन जैसे कि मान लीजिए ज्यादा मतलब एक्सपोजर मतलब केमिकली वेदर्ड रहेगा शेप, तो अगर मैं ज्यादा इफेक्ट शेप की बात करूं तो शेप भी अफेक्ट करेगा ड्यूरेबिलिटी को। सेफ नहीं सर। नहीं, अगर मान लो हम अपने मेंबर को कुछ ऐसे कास्ट करते हैं कि देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, और शेप या जो आपके स्ट्रक्चर बनाते हो अगर वो उसको अफेक्ट नहीं करता, तो फिर आप स्लैब को स्लोप नहीं देते ऊपर, पानी इकट्ठा होने देते छत पे। जी मे बी सेफ सेफ भी इफेक्ट करता है। आज आपने IS 456 ओपन करना है, उसमें मेरे जी ख्याल सर से 7th या 8th या 9th, इन तीनों में से एक ही है, ये क्लॉज है ड्यूरेबिलिटी वाला, इसको सेवेंथ जरूर या एट पढ़ना। या नाइन। कितनी जी एक्सपोजर सर कंडीशन में रखा गया है इंडिया को, कौन फाइव कौन सी है? माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी वर्क इन माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पीसीसी पीसीसी में सर माइल्ड के लिए कोई डिफाइन नहीं है ग्रेड और आरसीसी का कितना M20। है? M20। ठीक है, ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक अजी। सी देखो, काफी क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आपने गलत भी आंसर दिए। तो कोशिश करना कि जहां पे आपको लगता है कि मुझे भूल रहा है या डाउट है,
कि ये जो आंसर जी मुझे सर, पता है ये सही है भी कि नहीं, तो अब वो हम बोल सकते हो कि सर मैं गेस कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी सो आई कैन गेस। ठीक जैसे है, मे बी सर वर्ड यूज करते हैं तो उससे कुछ मे भी नहीं बोलना है, जी। आप ये बोलो सर अगर आप अलाउ करते हो देन आई विल गेस, मैं गेस कर सकता हूँ, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, राइट जी नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई कैन गेस इफ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं गेस कर सकता हूँ। जी सर, ठीक है। एक क्वेरी था सर, ये मतलब कि मेरा दोस्त ही मतलब BARC में ही इंटरव्यू दिया था, तो वो बोला था कि जैसे कि रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लोग 4 बार यूज करते हैं और सर्कुलर में 6, तो सर्कुलर में 6 ही क्यों यूज करते हैं, 4 क्यों नहीं, इसका सर आंसर बता देखो सकते जो हैं सर्कुलर कॉलम का डिजाइन क्राइटेरिया आप लेके चलो, जी। सर्कल अगर आप लेके चलते हो तो ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है लोड कैरिंग कैपेसिटी को। अब जैसे नॉन सर्कुलर नॉन रेक्टेंगुलर होगा तो जनरली कोड बोलता है कि जितनी साइड्स होती हैं, जितनी साइड्स होती हैं मिनिमम उतनी बार आपको देनी है, जी सर, जितनी साइड्स होती हैं मिनिमम उतनी बार आपको देनी है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन केस में तो आपके पास साइड्स आएंगे नहीं, जी सर क्या नहीं, करोगे फिर, कैसे फ्रेम करोगे? तो जनरली हम इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बनाते हैं, इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल नॉट सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल। रेक्टेंगल बना लो या इंस्क्राइब्ड स्क्वायर बना लो, नहीं सर्कल के अंदर एक सर्कल है उसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड आपने स्क्वायर रेक्टेंगल बना लिया, तो कोड बोलता है कि जनरली मेरा जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया है वो 6 बार के लिए है मिनिमम, कम से कम 6 बार से ज्यादा देते हो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कवर इटसेल्फ आल्सो। छह अच्छा बार ही दिए, अगर स्पायरल देते हो स्पायरल प्रोवाइड करते हो देन यू हैव टू मेंटेन द पिच व्हाट अच्छा वी हैव इन केस ऑफ द टाइड कॉलम, और स्ट्रेंथ भी अलग अलग निकल के आती है, जो जी स्ट्रेंथ भी निकल के आती है वो अलग अलग निकल के आती है। जी सर ठीक है, दिस रीजन यू कैन गिव देयर। जी सर और बाकी देखो श्रिंकेज क्यों होता है, जो जी श्रिंकेज सर होता है श्रिंकेज तो लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस होता है, तो सिंपल आंसर करते हैं कि सर श्रिंकेज जो हो रहा है वो वाटर के लॉस के कारण हो रहा है, उसको तो नहीं रोक सकते हैं। अब श्रिंकेज मान लो मेरे पास प्योर कंक्रीट का बीम है तो टॉप और बॉटम दोनों में यूनिफॉर्म श्रिंकेज होगा, तो उसके जी कारण जो आपका सेक्शन सिकुड़ेगा वो यूनिफॉर्म सिकुड़ेगा, लेकिन जब स्टील प्रोवाइड कर दोगे तो जहां पे स्टील होगा वो श्रिंकेज को रोकेगा, तो बॉटम में क्या होगा, बॉटम में सेक्शन कम सिकुड़ेगा टॉप से ज्यादा सिकुड़ेगा तो बेंड हो जाएगा, जैसे बेंडिंग में होता है टॉप में जी कंप्रेशन बॉटम में टेंशन आता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा श्रिंकेज के कारण। तो RCC बीम में डिफरेंशियल श्रिंकेज ज्यादा होता है सर, चाहते हो आप ज्यादा हो, लेकिन वही ना सर, जब स्टील उसको रोक लेता है टेंसाइल जोन में, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट उसको रोकने के लिए श्रिंकेज को सर हाँ मैं मेरा क्वेश्चन है आप चाहते हो ज्यादा हो, नहीं, नहीं चाहते सर। नहीं इसलिए मैक्सिमम केसेस में हम डबल इन्फो सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में अच्छा भी स्टील है टॉप में भी स्टील है, समझे बात को? जी सर। ठीक है।